हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आपके लिए आई हूँ दोस्तों, ये पहली बार माँ बनने वाले लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, बच्चे का बेबी बॉय जो होता है उसका प्राइवेट पार्ट आपको कैसे खोलना है, ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में काफ़ी बताया है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं या अच्छे से नहीं खोल पाते हैं, जिससे बच्चे को काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो अभी लेटेस्ट किसी के साथ हुआ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगे। आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको बचपन से ही खोलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग, जो बच्चे को दर्द ना हो इस वजह से, हम उसकी जो स्किन होती है उसको नीचे तक नहीं करते, थोड़ा सा खोलते और पानी से अच्छे से धो देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपने बच्चे की प्राइवेट पार्ट की जो स्किन है उसको अगर आपने उसको अच्छे से नीचे तक नहीं किया है, तो बहुत बार उसमें गंदा जो जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों कि उसमें पस पड़ जाता है, मवाद बनने लगता है। हमें लगता है कि हम तो डेली वॉश कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन स्किन जितनी नीचे जाती है केवल हम उतनी ही करते हैं, उससे ज़्यादा नीचे नहीं करते हैं। और बच्चे की इसके नीचे ना जाने की वजह से बच्चे को वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें पस पड़ जाता है। तो दोस्तों, पस पड़ने के बाद तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर स्किन को नीचे करके उसको क्लीन करेंगे और एक ट्यूब आती है दोस्तों, वो ट्यूब डॉक्टर लगाने के लिए देते हैं और पैरासीटामोल बच्चे के लिए देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कर सकते हैं आप? देखिए, बच्चे को इस सिचुएशन से बचाने के लिए आप नारियल का तेल एक दो ड्रॉप डाल डालकर बच्चे की स्किन को ऊपर नीचे करके हल्का हल्का करते रहिए और कोशिश कीजिए कि बच्चे की शूशु की स्किन आप नीचे तक कर दें। आपको दोस्तों जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन अगर आप डेली करते रहेंगे तो ये सही हो जाती है। क्योंकि जिसका मैं आपको केस बता रही हूँ, उनके बेबी के शूशु के चारों तरफ क्लीन ना करने की वजह से और स्किन को पूरा नीचे ना करने की वजह से पस पड़ गया था, मवाद पड़ गया था। तो डॉक्टर ने वो सारा क्लीन किया है और उनको बोला है कि पहले तो आप इस पर दवाई लगाइए और उसके बाद गोले का तेल लगा लगा कर ही आप इसकी शुशु की स्किन जो है उसको नीचे कीजिए, और उसके बाद बच्चे को नहलाते वक्त हल्का गुनगुना पानी आपको लेना है और बच्चे की शुशु की स्किन को नीचे करके धार से आप बच्चे की शुशु को साफ कीजिए। देखिए दोस्तों, बच्चों के प्राइवेट पार्ट को साफ करना उतना ही जरूरी है जितना कि जरूरी बच्चे के हैंड और फेस को साफ करना है। क्योंकि क्या होता है कि स्किन अगर बच्चे की नीचे तक नहीं जाती है और आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है। गंदगी इकट्ठी होने के कारण क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे वहां पर घाव बनने लगता है और उसमें पस पड़ जाता है। और आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट में अगर ऐसा कोई भी सिम्टम हो जाए तो बच्चे के लिए कितनी परेशानी हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा? देखिए क्या होता है दोस्तों कि समय के साथ साथ जब गंदगी बहुत अधिक इकट्ठी हो जाती है तो आपको हो सकता है तो बच्चे की शुशु मोटी सी नजर आ सकती है, और हो सकता है कि बच्चे का हाथ लगाते हैं आप तो बच्चा कहे नहीं दर्द हो रहा है, बच्चे को हल्का बहुत उसमें दर्द हो सकता है, शुशु पे सूजन जैसा आपको महसूस हो सकता है, शुशु बच्चे की मोटी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये दोस्तों वो चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं जाननी अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं, और या फिर मैं कहूँ कि आपका पहला बेबी बॉय है और ये चीजें आप किसी से नहीं पूछ सकते हैं। तो इन चीजों को अपने ध्यान रखिए और बच्चे के प्राइवेट पार्ट की आप अच्छे से सफाई कीजिए। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये एक डॉक्टर से ही मैंने सुनी है, जिनको मैं उनके साथ गई थी उनको डॉक्टर ने बताया है, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आगे भी किसी के बच्चे को ऐसी कोई परेशानी ना हो। आप लोग बच्चे के शुशु को अच्छे से साफ कीजिए, साबुन से नहीं साफ करना है, स्किन को धीरे धीरे नीचे कीजिए, हल्के गुनगुने पानी से ही बच्चे की इसकी शुशु की स्किन को अच्छे से साफ कीजिए। उसमें जम्स नहीं, संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है।
तो दोस्तों आज की ये छोटी सी और बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी। आपके लिए फायदेमंद हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों दूसरे लोगों जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।